स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो है वो रिलेशन के विषय में जो है वो कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखें, मैंने एक रिलेशन लिया। पहले मैं अभी इसके लिए एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर बोल रहा हूँ, और इसमें मैंने ऑर्डर पेयर लिए। जैसे मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया राम, कौशल्या। दूसरा ऑर्डर पेयर लिया भरत, कैकेयी। तीसरा ऑर्डर पेयर मैंने लक्ष्मण, सुमित्रा का लिया। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए तीन ऑर्डर पेयर दिखाए, जिसमें राम कौशल्या का एक ऑर्डर पेयर बनाया, भरत कैकेयी का एक ऑर्डर पेयर बनाया, लक्ष्मण और सुमित्रा का एक ऑर्डर पेयर बनाया। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि राम इज सन ऑफ कौशल्या। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि राम कौशल्या के सन। तो मैं देखिए यहाँ पर अब इसके लिए लिख रहा हूँ राम इज रिलेटेड टू कौशल्या। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया इसी के लिए, राम इज रिलेटेड टू कौशल्या। अब इसी बात को मैं इस तरीके से बोल दे रहा हूँ, राम इज आर रिलेटेड टू कौशल्या। अब मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहा हूँ, राम इज सन ऑफ कौशल्या। तो देखें ये जो आर रिलेटेड आया, तो इसमें ये जो आर है वो एक रिलेशन को शो कर रहा है, और रिलेशन मेरे पास में सन का आया। तो मतलब क्या हुआ कि मैं इसके लिए किस तरीके से लिख सकता हूँ, राम सेंटेंस ये पूरा ना लिख करके, ये वाला सेंटेंस पूरा ना लिख करके लैंग्वेज में, राम इज आर रिलेटेड टू कौशल्या। मैं इसके लिए लिख दे रहा हूँ राम इज, रीड ऐसे ही करूँगा, राम इज आर रिलेटेड टू कौशल्या। इस सेंटेंस को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये देखें, इसी तरीके से मैं दूसरा अगर ऑर्डर पेयर ले लूँ भरत और कैकेयी से जो बना हुआ है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि भरत इज रिलेटेड टू कौशल्या, कैकेयी सॉरी, और भरत इज आर रिलेटेड टू कैकेयी, भरत इज सन ऑफ कैकेयी। तो सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो भरत इज आर रिलेटेड टू कैकेयी। अब मैं आपके लिए दिख रहा हूं लक्ष्मण भी उसी प्रकार से, लक्ष्मण भी सुमित्रा के सन है। तो मैंने सन के रिलेशन को नाम दिया आर। तो लक्ष्मण इज आर रिलेटेड टू सुमित्रा। तो इसको मैं कैसे लैंग्वेज में बोलूंगा, रीड कैसे करूंगा इसके लिए,
राम इज आर रिलेटेड टू कौशल्या, इसको मैंने ऐसे रीड किया। और मैं इसे इस रिलेशन को कैसे रीड करूंगा, भरत इज आर रिलेटेड टू कैकेयी, लक्ष्मण इज आर रिलेटेड टू सुमित्रा। तो इस प्रकार से ये जो मेरे पास में ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, इसमें रिलेशन को नाम दिया गया है सन का। रिलेशन कौन सा है, सन का है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि ये जो रिलेशन सन का है, इसको इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे करके लिख सकता हूँ। आर एक रिलेशन है, तो इसमें मैंने कहा है इन जनरल ऑर्डर पेयर को मैंने एक्स कॉमा वाई से लिख दिया, इज सच डैट एक्स इज सन ऑफ वाई। तो एक्स इज सन ऑफ वाई। अब एक्स यहां पर राम है और वाई यहां पर कौशल्या है। इस केस में एक्स भरत है और वाई केकई है, और इस ऑर्डर पेयर के केस में एक्स लक्ष्मण है और वाई सुमित्रा है। तो यहाँ पर मैंने देखो इस तरीके से x इज r रिलेटेड टू y, इसे रीड करूँगा x इज r रिलेटेड टू y। तो ये रिलेशन का नाम क्या है, इस रिलेशन का नाम है सन। तो मैंने आज आपके लिए जो है वो इसमें जो है वो किसी रिलेशन को किस प्रकार से नोट कर। हेलो स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9897631517, और मेरे चैनल का नाम है सिद्ध योग क्लासेस। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे लाइक कर रहे हैं, और मैं ताकि और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।